हेलो दोस्तों, मैं हूँ दाऊद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। आज जानकारी लेंगे भिजिलैक रिच सचेट पाउडर के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी लेंगे भिजिलैक रिच सचेट के कंपोजिशन क्या है, इसके यूज़ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्राइस क्या हैं, इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखें, जिससे सही जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, भिजिलैक रिच सचेट को टोरेट फार्मा कंपनी मैनुफैक्चरिंग करती है, जो एक आप देख सकते हैं पाउच में आता है, जिसका प्राइस 16 रुपया 30 पैसा है। दोस्तों, यह पाउच आसानी से किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसे मार्च 2020 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जिसका एक्सपायरी डेट फरवरी 2022 तक है। दोस्तों, इसे लेने से पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, इसे कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और इम्यूनोबायोटिक पाउडर के साल्ट मिले होते हैं। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके यूज के बारे में। दोस्तों, इसके यूज की बात करें तो अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा हो तो आप इन कंडीशन में भिजिलैक रिच सचेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टोरेंट फर्मा का बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों, इसके एक या दो सचेट के इस्तेमाल से दस्त नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है और नेटरिंग भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह भिजिलैक रिच सचेट बहुत ही ज़्यादा दस्त को रोकने की बेहतरीन दवा है। दोस्तों, इस भिजिलैक रिच सचेट पर बहुत से डॉक्टर ट्रस्ट करते हैं और इसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं। दोस्तों, भिजिलैक रिच कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है। दोस्तों, इसे 3 साल के नीचे के बच्चे को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, यह बच्चों के मल को ज़्यादा गाढ़ा बनाता है और आंतों को मजबूत बनाता है, ताकि बच्चे कुछ खाए तो सही ढंग से पच सके। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे डोज के बारे में। दोस्तों, डोज की बात करें तो डोज पेशेंट के एज और वेट के कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेके इस मेडिसिन का यूज करें, ताकि सही डोज पेशेंट को मिल सके। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस भिजिलैक रिच सचेट से साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर देखने को मिला है। अगर दोस्तों आपको इस सचेट से कोई एलर्जी या रिएक्शन होता है तो आप इसे यूज ना करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी भिजिलैक रिच सचेट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।